एंड वेलकम। तो क्या हाल है आप सभी का? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 के फर्स्ट डे प्रिडिक्शन के बारे में। यानी कि दोस्तों, अजय देवगन कार्तिक आर्यन की जो टक्कर होने वाली है फर्स्ट डे प्रिडिक्शन ट्रेड क्या कर रहे हैं, जो ट्रेड होते हैं दोस्तों, क्रिटिक्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बताऊंगा 1 नवंबर को कितने बजे तक कितने दर्शक आ सकते हैं बॉक्स ऑफिस पर तबाही के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भूल भुलैया 3 और कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 और अजय देवगन की सिंघम 3, चूँकि दोस्तों बड़ी क्लैश होने वाली है, ये तो आप लोग को तय हो चुकी थी पहले ही। और दोस्तों, अगर जो अब बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन का बात करूं, तो दोस्तों जहां सिंघम 3 को ज़्यादा स्क्रीन मिली है, यानी कि दोस्तों सिंघम 3 को 3500 स्क्रीन मिली है पूरे भारत में, वहीं 2500 स्क्रीन मिली है भूल भुलैया 3 को, यानी कि दोस्तों 1000 स्क्रीन में अंतर है। तो दोस्तों कलेक्शन भी उसी के अंतर हो रहा है, यानी कि दोस्तों 20 करोड़ कलेक्शन फर्स्ट डे आने की संभावना है पूरे वर्ल्ड वाइड से भूल भुलैया 3 का। वहीं दोस्तों अगर जो पूरा वर्ल्ड वाइड से सिंघम 3 का कलेक्शन का बात करूं, तो दोस्तों 60 करोड़ बताई जा रही है फर्स्ट डे का प्रिडिक्शन रहने वाली है। यानी कि दोस्तों 1000 कम रहेगा स्क्रीन, तो दोस्तों कमाई भी कम होगा भूल भुलैया 3 का और सिंघम 3 का, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाइप है फिल्म का। अजय देवगन की ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा हाइप पे है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर तबाही के लिए 1 नवंबर को दोनों फिल्म आ रही है। 60 करोड़ प्रिडिक्शन बताई जा रही है सिंघम 3 का। वहीं दोस्तों भूल भुलैया 3 का, जो कि दोस्तों 20 करोड़ का प्रिडिक्शन है। आपका क्या राय इस फिल्म को लेकर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने भाई को इजाज़त।